हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम जनरल नॉलेज के इकोनॉमिक्स इस टॉपिक के ऊपर सेकंड क्विज लाए हैं। हमने फर्स्ट क्विज कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेकंड क्विज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वॉज मेड बाय। जो सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया नेशनल इनकम इंडिया की निकालने के लिए, वो किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन CSO, सेकंड ऑप्शन VKRV रू, थर्ड ऑप्शन PC महालनोबिस, फोर्थ ऑप्शन दादाभाई नौरोजी। तो मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वॉज मेड बाय। जो सबसे पहला अटेम्प्ट कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, वो किसने किया? जो नेशनल इनकम है इंडिया की, वो कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया? CSO, VKRV रो, PC महालनोबिस या दादाभाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दादाभाई नौरोजी। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वॉज मेड बाय दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु प्रेजेंटेड द बजट। उन पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम लीजिए जिन्होंने बजट पेश किया। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु प्रेजेंटेड द बजट। बजट प्रेजेंट करने वाला पहला भारतीय प्रधान कौन है, जिन्होंने वो पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है जिन्होंने बजट पेश किया, यानी कि उनके पास अर्थ खाता था, यानी कि उनके पास वो अर्थमंत्री भी थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वो अर्थमंत्री भी थे देश के। चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या वीपी सिंह, इनमें से कौन सा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जिन्होंने बजट पेश किया, प्रेजेंट किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु प्रेजेंटेड द बजट, और द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु प्रेजेंटेड द बजट इज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मींस, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इस्टेब्लिशिंग ट्रेड यूनियंस फॉर एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट रन बाय एम्प्लॉयज या नेशनलिज्म ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सेकंड, इस्टेब्लिशिंग ट्रेड यूनियंस फॉर एम्प्लॉयज। थर्ड, गवर्नमेंट रन बाय एम्प्लॉयज। या फोर्थ, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब होता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज एन अरेंजमेंट विच इन्वॉल्व्स वर्कर्स मेकिंग डिसीजंस, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इन वर्क प्लेस। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि इट इज़ एन अरेंजमेंट विच इन्वॉल्व्स वर्कर्स। ये एक अरेंजमेंट होती है जिसमें वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाता है मेकिंग डिसीजंस लेने के लिए, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए, एंड अथॉरिटी इन द वर्क प्लेस, और वर्क प्लेस में अथॉरिटी भी उनको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय। जो नेशनल इनकम होती है इंडिया की, एस्टिमेट्स होते हैं, वो प्रिपेयर किसने की? ऑप्शन नंबर 1, प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन नंबर 2, RBI। ऑप्शन नंबर 3, फाइनेंस मिनिस्टर। या ऑप्शन नंबर 4, CSO। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 CSO। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय CSO। अ वैरायटी ऑफ मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट आर प्रेजेंट इन इकोनॉमिक्स टू एस्टिमेट टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ए कंट्री और ए रीजन इंक्लूडिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, नेट नेशनल इनकम NNI एंड एडजस्टेड नेशनल इनकम NNI एडजस्टेड फॉर नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन। जो वैरायटी ऑफ मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम होते हैं एंड आउटपुट होते हैं आर यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, वो यूज्ड किए जाते हैं इकोनॉमिक्स में टू एस्टिमेट टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ए कंट्री और रीजन। टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ए कंट्री एक देश में और एक रीजन के लिए, इसलिए हम इंक्लूडिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसमें कौन से टर्म इंक्लूड होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं ये, फिर उसके बाद रहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, फिर नेट नेशनल इनकम NNI और फिर एडजस्टेड नेशनल इनकम NNI एडजस्टेड फॉर नेशनल रिसोर्स डिप्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ, नेशनल इनकम ये मनी वैल्यू किसकी होती है? फर्स्ट फाइनल गुड्स, सेकंड सर्विसेज, थर्ड इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड फोर्थ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एन्युअली इन एन इकोनॉमी। नेशनल इनकम ये मनी होती है किसकी, मनी वैल्यू ऑफ ये किसकी मनी वैल्यू होती है? फाइनल गुड्स, सर्विसेज, इंटरमीडिएटरी गुड्स, इंटरमीडिएटरी गुड्स या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एन्युअली इन एन इकोनॉमी। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एन्युअली इन एन इकोनॉमी। नेशनल इनकम ये मनी वैल्यू होती है किसकी, तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस्ड होती है एन्युअली इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो एन्युअली प्रोड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th, द थीम ऑफ द 12th फाइव ईयर प्लान 2012-17 डॉक्यूमेंट इज। जो थीम होता है, थीम होती है 12th ईयर प्लान की, 12th फाइव ईयर प्लान की 2007-2017 डॉक्यूमेंट इज। जो थीम थी 12th फाइव ईयर प्लान यानी कि पंचवार्षिक योजना, 12वीं पंचवार्षिक योजना का 2012-2017 वो जो चली थी, उस डॉक्यूमेंट का थीम क्या था? 12th फाइव ईयर प्लान यानी कि 12वीं पंचवार्षिक योजना 2012-2017 उसका थीम क्या थे, उसकी थीम क्या थी? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, सेकंड ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, थर्ड ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, फोर्थ फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इन चार में से कौन सी वो थीम थी 12वीं पंचवार्षिक योजना की? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। द थीम ऑफ द 12th ईयर फाइव ईयर प्लान 2012-2017 डॉक्यूमेंट इज। जो 12वीं पंचवार्षिक योजना की थीम कौन सी थी जो 2012-2017 में हुई, उसकी थीम थी फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ग्रोथ कैसी थी? फास्टर थी, मोर इंक्लूसिव थी और सस्टेनेबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वन अमेरिकन डॉलर इन 2016 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। 2016 में एक अमेरिकन डॉलर की कीमत कितनी थी अगर हम रुपीस से कंपेयर करें तो? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 रुपीस 58, रुपीस 45, रुपीस 62, रुपीस 68। इन चार में से कौन सा वो ऑप्शन सही है जो वन अमेरिकन डॉलर को 2016 में अप्रॉक्सीमेटली इक्वेलेंट करता है रुपीस में? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th,
₹68. $1 in 2016 is approximately equivalent to ₹68. Next question. Question number 8. Which institution is known as soft loan window of World Bank? नीचे दिए गए में से कौन सा इंस्टीट्यूशन इसे सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 IFC, ऑप्शन नंबर 2 IDA, ऑप्शन नंबर 3 IMF, ऑप्शन नंबर 4 इंडियन डेवलपमेंट फोरम। वर्ल्ड बैंक के किस इंस्टीट्यूशन को सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ कि वर्ल्ड बैंक के किस इंस्टीट्यूशन को सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 IFC, ऑप्शन नंबर 2 IDA, ऑप्शन नंबर 3 इज IMF एंड ऑप्शन नंबर 4 इज इंडियन डेवलपमेंट फोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 IDA। IDA इज द इंस्टीट्यूशन विच इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA एन एजेंसी टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA है, ये एक एजेंसी होती है, एजेंसी है जो प्रोवाइड करती है सॉफ्ट लोन्स किस किन लोग कहाँ पे सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो विकसनशील देश होते हैं उन देशों को ये सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन विच प्लान फेस इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड? किस प्लान फेस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटेड किया था? ऑप्शन नंबर 1 फोर्थ प्लान फेस पे, सेकंड ऑप्शन थर्ड प्लान फेस पे, थर्ड ऑप्शन सेकंड प्लान फेस पे, या फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट प्लान फेस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएट किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सेकंड। इन सेकंड प्लान फेस इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड, और द प्लान फेस इन विच इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस अर्बन रूरल पॉपुलेशन रेशियो इज अबाउट। अगर हम 2011 की जनगणना को ध्यान में रखें तो अर्बन रूरल पॉपुलेशन रेशियो कितना था? ऑप्शन नंबर 1 35:65, ऑप्शन नंबर 2 32:68, ऑप्शन नंबर 3 31:69, ऑप्शन नंबर 4 25:75। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 31:69। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस अर्बन रूरल पॉपुलेशन रेशियो इज अबाउट 31:69। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो अर्बन और रूलर यानी कि शहरी और जो शहरी या फिर जो हम कहते हैं गांव की, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो 31% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं यानी कि शहरी एरिया में रहते हैं, और रूलर यानी कि 69% गांव के एरिया में लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सप्ताह इज रिलेटेड टू, SAPTA इज रिलेटेड टू, ये किस से रिलेटेड है? एडुकेशन से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है? SAPTA सप्ताह। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ट्रेड। सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट सप्ताह, सप्ताह का फुल फॉर्म क्या है? सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट सप्ताह इन डिसेंबर 1991
द सिख समिट हेल्ड इन कोलंबो अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप IGG टू फॉर्मुलेट एन आर्गुमेंट टू एस्टेब्लिश अ सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट सप्ताह बाय 1997। सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट सप्ताह इसका ये इन्होंने दिसंबर 1991 में जो सिख समिट हुई थी कोलंबो में उसमें क्या अप्रूव किया गया, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर गवर्नमेंट ग्रुप IGG इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसके लिए, टू फॉर्मुलेट एन अग्रीमेंट टू इस्टेब्लिश अ सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट सप्ताह बाय 1997। किसके लिए, तो एक अग्रीमेंट किया गया जिसकी वजह से सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट एक इस्टेब्लिश करेगा सार्क जो है वो क्या इस्टेब्लिश करेगा, सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट सप्ताह का, कब तक, तो 1997 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑपरेट्स द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006। हु ऑपरेट्स द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, कौन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड ऑपरेट करता है विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006, जो कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया है किसके अंडर, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो 2006 में लागू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने, इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर, सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर, थर्ड डिफेंस मिनिस्टर के अंडर रहता है, या फोर्थ यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स ऑपरेट करते हैं द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, जो कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वन ब्रिटिश पाउंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वेलेंट टू, एक ब्रिटिश पाउंड भारत के रुपीज़ के कितने बराबर होता है, 99 रुपीज़, 80 रुपीज़, 86 रुपीज़, क्या 123 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 86 रुपीज़। वन ब्रिटिश पाउंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वेलेंट टू 86 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो एक ब्रिटिश पाउंड होता है वो 86 रुपीज़ के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ फ्री इंडिया प्रेजेंटेड, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर 1, 26 नवंबर 1947, ऑप्शन नंबर 2, 15 अगस्त 1947, थर्ड ऑप्शन 20 जनवरी 1950, या फोर्थ ऑप्शन 18 दिसंबर 1950। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ फ्री इंडिया प्रेजेंटेड, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, 26 नवंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 20 जनवरी 1950 को, या 18 दिसंबर 1950 को। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 26 नवंबर 1947, द फर्स्ट बजट ऑफ फ्री इंडिया वॉज प्रेजेंटेड एट 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1987 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स इन इंडिया, नीचे दिए गए में से कौन सा स्टेट फूड क्रॉप्स के प्रोडक्शन में अव्वल नंबर पर है भारत में, उसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड आंध्र प्रदेश, या फोर्थ हिमाचल प्रदेश। नीचे में से कौन सा स्टेट
नंबर वन पे आता है फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स इन इंडिया, और स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये राज्य पहले नंबर पे आता है फूड क्रॉप्स में भारत में प्रोडक्शन में। अगर आप प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो वो नंबर वन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लेसेस फेयर पॉलिसी रेफर्स टू। लेसेस फेयर पॉलिसी किसको रेफर करती है? ऑप्शन नंबर वन ट्रेड पॉलिसी को, ऑप्शन नंबर टू पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स, थर्ड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स, या फोर्थ कमर्शियल पॉलिसी। लेसेस फेयर पॉलिसी रेफर्स टू द ट्रेड पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स, थर्ड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स, या फोर्थ कमर्शियल पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड। लेसेस फेयर पॉलिसी किसको रेफर करते हैं? ट्रेड पॉलिसी को, पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक अफेयर्स, या पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स, या फोर्थ ऑप्शन इज कमर्शियल पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स। लेसेस फेयर पॉलिसी किसको रेफर करते हैं? वो करते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिसी ऑफ मिनिमम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। जो पॉलिसी होती है, जो मिनिमम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस होती है इकोनॉमिक अफेयर्स किसी की इंडिविजुअल से या फिर सोसाइटी के, वो किसे रेफर करते हैं? लेसेस फेयर पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डीआर मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1993 टू रिव्यू। डीआर मेहता कमेटी अपॉइंट की गई थी 1993 में किसके लिए, किसकी रिव्यू करने के लिए? इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, या कंपनी रिफॉर्म्स के लिए। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, डॉक्टर मेहता कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1993 टू रिव्यू। डॉक्टर मेहता कमेटी अपॉइंट की गई 1993 पे किस चीज़ को रिव्यू करने के लिए? इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, या कंपनी रिफॉर्म्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। डीआर मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1993 टू रिव्यू इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट फॉर न्यू प्राइवेट बैंक इन इंडिया इज। जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है एट प्रेजेंट फॉर न्यू प्राइवेट बैंक इन इंडिया के लिए, जो प्रेजेंट न्यू प्राइवेट बैंक होती है इंडिया में उसके लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? मिनिमम 100 करोड़ रुपीज़, 500 करोड़ रुपीज़, 200 करोड़ रुपीज़, या 600 करोड़ रुपीज़। जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी नई प्राइवेट बैंक के लिए इंडिया में, वो कितनी होती है? 100 करोड़ रुपीज़, 500 करोड़ रुपीज़, 200 करोड़ रुपीज़, या 600 करोड़ रुपीज़। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, 5 करोड़ रुपीज़। द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट एट द प्रेजेंट फॉर न्यू प्राइवेट बैंक इन इंडिया इज़ फाइव
100 crore rupees. Next, question number 19. Name the states which produce electricity from sugarcane waste. नीचे दिए गए में से कौन से स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन के वेस्ट से, यानी कि जो गन्ने होते हैं उसके वेस्ट से कौन से स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र. ऑप्शन नंबर 3 आसाम एंड ओडिशा. या ऑप्शन नंबर 4 केरला एंड आंध्र प्रदेश. इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र. द स्टेट विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द शुगर केन वेस्ट आर तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र. तमिलनाडु महाराष्ट्र ये जो दो स्टेट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन के वेस्ट से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. डीवैल्यूएशन मीन्स डिक्रीज इन द. डीवैल्यूएशन का मतलब कम होना, किस बात पे कम होना. लोअरिंग द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड करेंसी. सेकंड, वैल्यू ऑफ मनी इंटरनली असेस्ड. थर्ड, वैल्यू ऑफ मनी गोइंग लो कंपेयर टू द वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड. फोर्थ, करेंसी प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री. डिवैल्यूएशन मीन्स डिक्रीज इन द. डिवैल्यूएशन मतलब किस बात में कम हो जाना. लोअरिंग द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड करेंसी. सेकंड, वैल्यू ऑफ मनी इंटरनली असेस्ड. या थर्ड, वैल्यू ऑफ मनी गोइंग लो कंपेयर टू द वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड. या फोर्थ, करेंसी प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री. इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1. डिवैल्यूएशन मीन्स डिक्रीज इन द. लोअरिंग द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड करेंसी. डिवैल्यूएशन का मतलब होता है ऑफिशियली लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज करेंसी. कंट्री के करेंसी की ऑफिशियली वो लोअरिंग होना वैल्यू में. विद इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बाय विच द मॉनेटरी ऑथोरिटी फॉर्मली सेट्स अ न्यू फिक्स्ड रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए फॉरेन रेफरेंस करेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. Which state possesses the maximum percentage of SC population? नीचे दिए गए में से कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा SC population के लोगों से भरा हुआ है, यानी कि which state possesses the maximum percentage, सबसे ज़्यादा परसेंटेज SC population का किस स्टेट में है. यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज केरला एंड फोर्थ ऑप्शन इज पंजाब. इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पंजाब. पंजाब स्टेट पजेसेस द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन. पंजाब स्टेट पजेसेस द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन. पंजाब स्टेट में सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन के लोग रहते हैं. नागालैंड, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव नो scheduled caste among their population. नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार इन आइलैंड्स में किसी scheduled caste के populations नहीं रहते. थ्रू यूपी हैज़ द लार्जेस्ट चंक ऑफ द टोटल SC population. जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट चंक होता है SC population का वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पंजाब हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ दलित्स इन इट्स पॉपुलेशन एट 31.9%. लेकिन जो परसेंटेज में अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम परसेंटेज है एससी पॉपुलेशन का वो पंजाब में है, लेकिन जो लार्जेस्ट चंक है टोटल एससी पॉपुलेशन का वो उत्तर प्रदेश में है. और जो सबसे पंजाब में जो लार्जेस्ट शेयर ऑफ दलित्स होते पॉपुलेशन में उनका परसेंटेज है 31.9%. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ. नाबार्ड किसके रिकमेंडेशन से इस्टेब्लिश पे आया. नंबर 1 ऑप्शन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. सेकंड, शिवराम कमेटी. थर्ड, नरसिम्हा कमेटी. या फोर्थ, नन ऑफ दिस.
इन चारों में से किस ऑप्शन की कमेटी से वो नाबार्ड ये इस्टेब्लिशमेंट हुई, किसके रिकमेंडेशन से, या फिर फोर्थ ऑप्शन वन ऑफ दिस, किसी भी ऊपर की किसी भी कमेटी से उसकी रिकमेंडेशन की वजह से इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिवराम कमेटी। नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवराम कमेटी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज एन अपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, हैविंग हेडक्वार्टर्स इन मुंबई एंड अदर ब्रांचेस आर ऑल ओवर द कंट्री। जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर होती है एंड रूरल डेवलपमेंट इज एन अपेक्स डेवलपमेंट इन बैंक इन इंडिया, ये क्या होती है, ये अपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया होती है, हैविंग हेडक्वार्टर्स इन मुंबई एंड अदर ब्रांचेस आर ऑल ओवर द कंट्री, और ऑल ओवर द कंट्री होती है शिवराम कमेटी। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मैं फिर से दोहराता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये इस्टेब्लिश हुई किस कमेटी के रिकमेंडेशन, तो शिवराम कमेटी के रिकमेंडेशन। वो क्या है नाबार्ड क्या है, ये एक अपेक्स डेवलपमेंट बैंक होती है भारत में, जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई और अदर ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द बेस ईयर ऑफ द प्रेजेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स इज, जो बेस ईयर होता है प्रेजेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स का WPI वो कितना होता है। द बेस ईयर ऑफ द प्रेजेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इज 2011-12, 1993-94, 2017-19 और 1999-2000। जो बेस ईयर ऑफ द प्रेजेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI वो कितना हो क्या था 2011-2012, 1993-1994, 2017-2019 and 1999-2000। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2011-12। द बेस ईयर ऑफ द प्रेजेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इज 2011-2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वाज सेविंग्स बैंक अकाउंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो सेविंग बैंक सिस्टम, ये जो सिस्टम होती है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस्ड की गई। ऑप्शन नंबर 1, 1830, ऑप्शन नंबर 2, 1885, ऑप्शन नंबर 3 is 1910, ऑप्शन नंबर 4 is 1935। तो इन चारों में से किस ईयर सेविंग बैंक सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड की गई भारत में। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1885। 1885 सेविंग बैंक सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो सेविंग बैंक सिस्टम होती है वो इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में कब, तो 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का मेन क्रॉप कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1, पैडी, ऑप्शन नंबर 2, वीट, ऑप्शन नंबर 3, बार्ले, ऑप्शन नंबर 4, रागी। इन चारों में से कौन सा आंध्र प्रदेश का मेन क्रॉप है, सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला क्रॉप है धान्य। ऑप्शन नंबर 1, पैडी, 2, वीट, 3, बार्ले या 4, रागी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पैडी। पैडी इज द मेन क्रॉप ऑफ आंध्र प्रदेश। पैडी ये मुख्य धान्य है आंध्र प्रदेश का, सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला धान्य क्रॉप पैडी। तो इसी तरह से हमने सेकंड क्विज इकोनॉमिक्स के ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और ज़्यादा इसी तरह से जो इंटरेस्टिंग कंटेंट है और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।